महोदय, महिला एवं बाल विकास मांग संख्या 32 पर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं का संपूर्ण विकास तभी हो सकता है जब वे खुद का रोजगार स्थापित करें। हमारी महिला बहनें में एक से बढ़कर एक हुनर छुपे हुए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार ने कई योजना चला रखी हैं, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, वह पूरी तरह सफल नहीं है, क्योंकि एक तो उन योजनाओं की जानकारी हर महिलाओं को तक अच्छे से नहीं पहुंच पाती है, और कुछ महिलाओं तक पहुंच भी जाती है तो जो सीधे सादी बेचारी गांव की महिलाएं हैं उनको खुद का व्यापार कैसे शुरू करें इनकी जानकारी नहीं होती। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है कि महिलाओं के लिए हर जिले में जिला हेड क्वार्टर पर महिला रोजगार केंद्र खोले जाएं, जिसमें महिलाओं के लिए ऐसी योजनाएं बनाई जाएं जिसके तहत महिलाओं को तरह तरह के रोजगार के बारे में अच्छे से समझाया जाए और उनकी रुचि के अनुसार उनका खुद का रोजगार स्थापित करने में उनकी मदद करने के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाएं और अधिकारियों को पाबंद किया जाए एक फिक्स टारगेट के साथ महीने में कम से कम 1000 महिलाओं को सभी तरह की योजनाओं की जानकारी देकर उनका रोजगार शुरू कराया जाए, जिससे गांव में रहने वाली सीधी सादी अनपढ़ महिलाएं भी अपना खुद का रोजगार शुरू कर सके। तभी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं का विकास हो सकता है और हमारी माता बहनें जिस तरह से ज़्यादातर गांव में रहती हैं उनके अंदर बहुत से हुनर छुपे हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि अनपढ़ महिलाएं और पढ़ी लिखी महिलाओं के अलग अलग उनके तैयार कराई जाए, जिससे वो आगे काम कर सके और समझ सके, उनके अलग अलग प्रशिक्षण दिए जाएं, इसी तरह उनका सही तरीके से उनकी आर्थिक मदद की जाए और सरल तरीके से उनको जल्दी से जल्दी लोन दिलाया जाए। मैं आपसे और ये भी निवेदन करूंगी कि महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से और वाहनों की दृष्टि से महिलाएं अगर अन्य जगह काम करने नहीं जा पाती प्रशिक्षण लेकर भी, तो मैं ये चाहती हूँ कि गांव की महिलाओं को गांव में ही प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार दिया जाए और शहर की महिलाओं को शहर में प्रशिक्षण देकर उनका मनोबल बढ़ाया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। श्री लादूराम पीतलिया,